अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कोरोना महामारी के चलते पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पंजाब की ओर से 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के नतीजे इस बार ग्रेड के अनुसार घोषित किए हैं, जिससे बाद इन नतीजों से विद्यार्थियों में खासी खुशी का माहौल देखने को मिला है। विद्यार्थियों के अनुसार उनका मेरिट में आने का सपना इस बार अधूरा ही रह गया। इस दौरान शहर के केशव विद्या मंदिर स्कूल की ओर से नतीजे बयां आने पर विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवा उनको भविष्य में कामयाब होने का आशीर्वाद दिया। स्कूल की छात्राओं अनुसार उनको इस बार मेरिट में आने का पूरा भरोसा था, मगर कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड की ओर से जारी किए नतीजे ग्रेड स्तर पर किए हैं, जिससे उनको ज्यादा खुशी नहीं हो सकी है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम राजवीर है ते मैं केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा हाँ। जिवें कि तुहानू पता है कि कल साढ़े 10वीं क्लास का नतीजा ऐलाना गया है, जिस विच मैं ए प्लस ग्रेड लैके पास हुई हाँ। पर फिर भी मैं इस तो खुश नहीं हाँ, क्योंकि असी बहुत मेहनत की सी ते मैरिट विच आउण दा फैसला किया सी। जिस तरह पिछले साल मेरी सीनियर अर्शदीप कौर ने 650 नंबरों विचों 632 अंक लैके मैरिट विच आउण दा फैसला किया सी, पर वो एक अंक तो रह गए सी ते मैं उन्हां वल्लों लिया गया ये फैसला खुद पूरा करना चाहुंदी सी। इसलिए मैं बहुत मेहनत की थी, पर कोरोना संकट के कारण यह संभव ना हो सकिया तो मैं अपने नतीजे तो बिल्कुल भी खुश नहीं हाँ। मैं सोनम केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अज साडे स्कूल का नतीजा निकला है, जिस विच मैं ए प्लस ग्रेड हासिल किए हैं, पर मैं इस तो ज़्यादा खुश नहीं हाँ, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मैनू बहुत बहुत मेहनत करवाई है, ऐसी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई ने, पर कोरोना संकट के कारण यह सब कुछ सब। मैं नंदनी 10th क्लास केशव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थन हाँ। कल ही साढ़े 10th का रिजल्ट ऐलाना गया है। पिछले साल साढ़े स्कूल के विद्यार्थन अर्शदीप कौर ने 650 अंक प्राप्त किए, पर एक अंक घट होने के कारण उसका मेरिट विच ना आ सकिया। उस समय मैं अब मेरिट विच आन का वादा किया, अपने स्कूल अपने प्रिंसीपल मैडम सर का नाम रोशन करन का फैसला लिया, परंतु कोरोना संकट के कारण मेरा यह सुपना पूरा ना हो सकिया। इस कारण मेनू इस रिजल्ट कारण खुशी बहुत ही नहीं हुई है। हाँ जी सर, करमेश अरोड़ा MD केशव विद्या मंदिर। मैं बहुत खुशी है कि जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों नतीजे ऐलाने गए हैं, उस विच साडे स्कूल के विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार जिहड़ा है प्रदर्शन किया है। पिछले 2-3 सालों तो ही साडे स्कूल के विद्यार्थी जिहड़े है बहुत अच्छे नंबर लैके पास होंदे रहे हैं। लास्ट ईयर साडे स्कूल की एक विद्यार्थन सिर्फ एक नंबर घट रहने कारण मैरिट विच आउण तो रह गई सी, और मैं पूरी उम्मीद सी कि इस साल साडे स्कूल के 1-2 विद्यार्थी मैरिट विच आके अपना स्थान प्राप्त करनगे, पर COVID-19 के चलदिया बोर्ड वालों जो नतीजे लाने गए हैं वह ग्रेड वाइज लाने गए हैं। पर फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों और अपने समूह स्टाफ ने इसलिए बधाई देना हाँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत न इस जी है पोजिशन हासिल किया है। धन्यवाद सर। किन्ने क बच्चों ने मतलब एडमिशन लिए? साढ़े 10वीं के 17 विद्यार्थी सन, जिन्हों 10 विद्यार्थियों ने 90% तो उपर, 8वीं के 16 विद्यार्थी से जिन्हों 9 विद्यार्थियों ने 90% तो उपर, 5वीं के 15 विद्यार्थी से जिन्हों 6 विद्यार्थियों ने 90% तो उपर नंबर लैके जी है रैंक हासिल किए, स्थान हासिल किए। बाकी सारे ही विद्यार्थी साढ़े 85% तो उपर नंबर लैके पास हुए हैं, किसी भी विद्यार्थी का नतीजा जो है 85% तो घट नहीं आया। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।